जिस नोट्स में हमने सारी चीजों को लिखी थी। तो जो हमारे प्रीवियस सेशन थे उसमें हम बात कर रहे थे भाई जैंगो हमारा एक फ्री और ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जहां पर हम लोग काम करते हैं। ये एमबीसी को सपोर्ट करता है, यहां पर एमबीसी नहीं होता बल्कि एमबीटी होता है। एमबीटी का मतलब मॉडल व्यू एंड टेम्पलेट, और यहां पर इनबिल्ट ओआरएम होता है, हमें बस क्लासेज बनानी है, क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर टेबल वगैरह बन के सामने आ जाएगा। और उन्होंने बात करी थी कि भाई पाइथन में आपको काम कैसे करना है, तो पाइथन चल रहा है ना सभी लोगों का, पाइथन में पाथ वगैरह सेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई ना जी? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हमें पाइथन में ही प्रॉब्लम आ रही है पाथ वगैरह सेट करने में तो आगे दिक्कत आएगी। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर बात करी थी कि भाई पाइथन में पाथ कैसे सेट करते हैं, वर्जन वगैरह कैसे चेक करते हैं। फिर हमने बात करी थी कि आप यहाँ पर जब भी जैंगो में काम करते हो तो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में काम क्या करो, मतलब एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लो और उसके अंदर काम करो। उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि अब आप जो कुछ भी इंस्टॉल करोगे इस इन्वायरमेंट में वो इसी इन्वायरमेंट का पार्ट होगा, ना कि पूरे इंटायर सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट होगा उसका। तो हमने बात करी थी यहाँ पर जैंगो अगर हमने इंस्टॉल करा था कि वर्जन कैसे देखेंगे। हाँ जी सर, मुझे ये जो आवाज़ कम आ रही है आपकी, जरा सटा माइक प्रॉपरली बोलो। थोड़ा जोर से बोलना, आवाज नहीं आ रही है। हाँ क्या बोल रहे थे? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ओके और उसके बाद हमने बात करी थी कि भाई हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया था, प्रोजेक्ट एक फोल्डर बनाई थी प्रोजेक्ट वन के नाम से। उस प्रोजेक्ट वन के अंदर में हमने यहाँ पे जैंगो का प्रोजेक्ट बनाया था। प्रोजेक्ट का नाम क्या था हमारा? एसआई। और मैंने बताया था वहाँ पे कई सारी फाइल्स वगैरह होती हैं, ये सारी फाइल्स हैं हमारी। उसके बाद हमने वहाँ पे उसको रन करके चेक किया था। रन करने के बाद एक रॉकेट टाइप की चीज़ें आ गई थी, बड़ा अच्छा लगा था हमें देख के। फिर हमने वहाँ पे एक ऐप क्रिएट किया था। एक प्रोजेक्ट के अंदर में कई सारे ऐप्स होते हैं, तो हमने यहाँ पे ऐप्स क्रिएट करा था और मैंने बोला था पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप। क्या आप चैट में मैसेज ड्रॉप कर दो जो आप बोल रहे हो ना, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। चैट में मैसेज ड्रॉप कर दो तो आ जाएगा मेरे पास। या अभी हम बात करते हैं उसको रिस्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना? तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इतना काम तो उस दिन हम लोगों ने कर ही लिया था, है ना? फिर हमने पाइचाम के अंदर उसको ओपन किया था और यहाँ पे हमने ये जय हिंद वगैरह लिखा था, ठीक है? उसके बाद तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को हमें फिर से पाइचाम में ओपन करना है। तो पाइचाम के अंदर आप ओपन कैसे करोगे ये देखो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे पाइचाम पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, ओपन हो रहा है। अब हमारे यहाँ पे ये कोई पुराना प्रोजेक्ट ओपन कर रहा है तो मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ। आप यदि ओपन करोगे यदि आपका लेटेस्ट प्रोजेक्ट, तो जो भी आपका प्रीवियस प्रोजेक्ट होगा वो ओपन हो जाता है। मेरा कोई दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा था, मैंने उसको कैंसिल कर दिया और मैं अब अपने पुराने प्रोजेक्ट पर आता हूँ। कौन से कहाँ बनाया था मैंने? मैंने डी के अंदर प्रोजेक्ट वन बनाया था, है ना? तो डी के अंदर प्रोजेक्ट वन, मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे मैंने सिलेक्ट किया वो यहाँ पर खुलना चालू हो गया। ये देखो अब ये हमारा यहां पे आ गया। प्रोजेक्ट खोलने के बाद सबसे पहले तुम्हें एक काम करना है।
अभी तुम्हारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड नहीं है। तो प्रोजेक्ट खोलने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू, ये जो आपका ये था, ये क्या था यहाँ पे, आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम क्या था? ट्रिपल आईआईटी। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ वर्क ऑन ट्रिपल आईआईटी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्क ऑन ट्रिपल आईआईटी। अब आप इस एनवायरनमेंट में आ चुके हो। यहां पे जब भी आप काम स्टार्ट करोगे तो अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद आप यहां पे टर्मिनल पे आएंगे, और टर्मिनल पे आने के बाद आप यहां पे वर्क ऑन अपना जो भी आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है वो डाल देंगे। और ये मतलब इस तरीके से दिखना चाहिए जब भी आप काम कर रहे हो। तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट यदि नहीं दिखेगा, इसका मतलब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में नहीं है। ठीक है, चलो। अब हमने उस दिन जो बात करी थी, सबसे पहले हमने बात करी थी कि मैं चाहता हूं कि भाई हम कुछ लिखें और वो डिस्प्ले होना चाहिए, जैसे हमने यहां पे जय हिंद लिखा था। तो देखो, कुछ भी हमें डिस्प्ले करवाना है, ध्यान से समझो बातों को, तो हमारा जो गेट है ना, जो एंट्री गेट है, वो व्यूज है। व्यूज के थ्रू ही होना है। मतलब कुछ भी आप चाहते हो कि डिस्प्ले हो तो उसको व्यूज में डालोगे कहीं ना कहीं। और ये व्यू भी अपने आप में कुछ नहीं होता, व्यू में जो कुछ भी तुम बनाओगे उसकी एंट्री तुम्हें यहां पे urls.py में करनी पड़ेगी। और ये जो urls.py है, इसकी एंट्री तुम्हें यहां पे ये जो एजाइल वाली, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट का urls.py है, यहां पे करना पड़ेगा। तो ये तीन स्टेप्स हैं जो आपको याद रखना है। पहला स्टेप्स आपको क्या याद रखना है, जो पहला स्टेप्स है वो याद रखना है आपको, नंबर वन क्या याद रखना है कि जो कुछ भी हमें करना है व्यूज के अंदर मेथड बनाना है, और मेथड के अंदर जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो या किसी HTML को कॉल करवाना चाहते हो, आप जो कुछ भी करवाना चाहते हो व्यू के अंदर आप मेथड बनाओगे। दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, दूसरा काम हमें क्या करना है यहाँ पे, ये जो हमारा एप्स होता है, एप्स के अंदर में हमारा फाइल होता है urls.py। ये होता नहीं है, हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं, उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये नहीं था ना पहले हमारे पास, ये फाइल नहीं थी, तो इसको ऐड करोगे। कैसे ऐड करोगे, राइट क्लिक, यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे हम लेंगे पाइथन फाइल, और ये जो पाइथन फाइल है इसका नाम हम यहाँ पे क्या दे देंगे, URLS। तो जैसे हम यहाँ पे URLS दे देंगे तो ये हमारा यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। तीसरा काम हमें क्या करना है, ये जो तुमने यहाँ पे मेथड बनाया था, उस मेथड के अंदर जो आपके मेथड का नाम है, इस मेथड की एंट्री यहाँ पे इस urls.py में करनी पड़ेगी। ये देखो, ये आपने मेथड बनाया, आपने क्या लिखा मेथड में, डेफ। डेफ फंक्शन होता है भाई, फंक्शन बनाने के लिए हम यूज करते हैं। और ये हमारा फंक्शन का नाम है, कुछ भी दे सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी। और हमने यहाँ पे, ये हमारा व्यूज के अंदर काम हो रहा है। ये देखो, अब हमने यहाँ पे पास कर दिया रिक्वेस्ट, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। हम यहाँ पे आर पास कर दें, ए पास कर दें, लेकिन लोग रिक्वेस्ट पास करते हैं, मैं भी रिक्वेस्ट नहीं पास कर रहा हूँ, कोई अंतर नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ भाई मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, मेरे पेज पे कुछ दिखना चाहिए, तो दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स। ये जो हमारा HTTP रिस्पॉन्स है वो ये रिटर्न करेगा, और HTTP रिस्पॉन्स में मैंने ये डाल दिया है ना। अब ये जो HTTP रिस्पॉन्स है ये है कहाँ पे, तो ये HTTP रिस्पॉन्स जो है, ये जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा इस मॉड्यूल में बना हुआ है। कौन सा मॉड्यूल, django.http। तो यदि तुम HTTP रिस्पॉन्स कहीं भी लिखते हो तो उसके लिए ऊपर में तुम्हें ये डालना पड़ेगा, फ्रॉम django.http इम्पोर्ट HTTP रिस्पॉन्स। और यहाँ पे तुमने, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब ये जो फंक्शन, यहाँ पे दो लाइन का कोड आपने लिखा, तो आपने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले व्यूज में आ गए, और व्यूज में आपने यहाँ पे दो लाइन का कोड लिखा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे urls.py में जाएंगे, फाइल क्रिएट कर लेंगे, और ये हमारा urls.py है। urls.py में हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना है, ये वाला व्यू यूज़ करना है ना भाई। तो हमने यहाँ पे बोला फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट करना है, किसको, व्यूज को। अरे ये नहीं लिखोगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे बोलते हैं फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज। उसके बाद हम बोलते हैं URL पैटर्न। तो यहाँ पे पाथ एक फंक्शन है, पाथ फंक्शन के अंदर में सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं स्ट्रिंग। जब हम रन करेंगे तो आप क्या डालना चाहते हो, तो मैं अभी कुछ भी नहीं डालना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसे ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद हम मेथड का नाम देते हैं, जो मेथड मुझे कॉल करना है। तो कौन सा मेथड मुझे कॉल करना है, तो व्यूज के अंदर जो ये हमारा होम मेथड है, उस मेथड को मुझे कॉल करना है, तो मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। और ये जो नाम है ये कुछ भी दे दो, एक्स वाई जेड दे दो, लेकिन तरीका ये है कि जो फंक्शन का नाम है वही नाम हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक, तो हमारा दो काम हो गया। तो पहला काम हमने ये कर दिया, दूसरा काम हमने ये कर दिया, और तीसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, तीसरा काम हमें ये करना है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट वाला urls.py है,
प्रोजेक्ट वाला urls.py जो है उसके अंदर इंक्लूड कर लेना है। किसको इंक्लूड कर लेना है? एप्स का जो urls.py है। तो इसको आप कैसे इंक्लूड करोगे? ये तीन स्टेप्स हैं, इसको आप कैसे इंक्लूड करोगे? तो मैं यहाँ पे आता हूँ urls.py में, और देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला पाथ, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे बोला इंक्लूड कर लो। किसको इंक्लूड कर लो? कैल्क डॉट urls। कैल्क हमारा क्या है? ये एप्स का नाम है ना, इसके अंदर जो urls.py है उसको ये यहाँ पे इंक्लूड कर देगा। तो ये तीन स्टेप्स हैं, पहला ये मेथड बना लिया, दूसरा एप्स के अंदर urls.py में इसकी एंट्री करो, एप्स के अंदर urls.py में इसकी एंट्री कर दिया यहाँ पे मेथड को कॉल कर लिया, और तीसरा प्रोजेक्ट के अंदर जो urls.py है उसके अंदर एप्स वाले urls.py को इंक्लूड कर लो। तो यहाँ पे मैंने इसको देखो इंक्लूड कर लिया, ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, बात समझ में आया? यहाँ पे मैंने क्या लिखा? calc डॉट url, यानी कि इस एप्स के अंदर जो url डॉट, ये एक ही बार करना है, ये एक ही बार करना है। अब मैं इसके अंदर जो कुछ भी दूंगा वो हर एक बार अपना कॉल होता चला जाएगा, यहाँ पे बस एक बार इसकी एंट्री करनी है कि भाई ये हमारा यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो ये तीन स्टेप्स हैं जो हमें काम यहाँ पे करना है। तो जब कभी भी आपको ये कुछ डिस्प्ले करना हो तो ये स्टेप्स हैं जो हमें वहाँ पे फॉलो करना है, ये स्टेप्स हैं जो हमें यहाँ पे फॉलो करना है। तो और फिर क्या करेंगे आप? रन करेंगे, रन करने के बाद जब आप लिखेंगे तो वो वहाँ पे कॉल करेगा। तो हमारे स्टेप्स क्या क्या होंगे, इसी मैं फाइल को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये हमें स्टेप्स याद रखना है कि भाई हम चाहते हैं कुछ डिस्प्ले करने के लिए, कुछ डिस्प्ले करने के लिए यूजिंग व्यूज़ यदि हमें कुछ डिस्प्ले करना है तो शुरुआत में हमें ये तीन स्टेप्स याद रखना है। क्या क्या स्टेप्स है? व्यूज़ के अंदर मेथड बनाओगे, व्यूज़ के अंदर मेथड बनाने के बाद जैसे हमने डिस्प्ले मेथड बनाया जिसके अंदर हम HTML का कुछ कोड लिख रहे हैं या फिर हमें HTML फाइल को कॉल करनी है, उसके बाद क्या करोगे? एप्स के url.py में एंट्री करोगे, फिर प्रोजेक्ट के url.py में एंट्री करोगे। समझ में आई बात? अब यदि मैं इसको रन करूं यहां पे, क्या बोलोगे? पाइथन मैंने डॉट पाई, अब मैं यहां बोलता हूं रन सर्वर, पाइथन मैंने डॉट पाई, अब मैं यहां पे बोलता हूं रन सर्वर। अब जैसे मैं यहां पे बोलता हूं रन सर्वर तो ये हमारा यहां पे रन करके आ जाएगा, ये देखो ये हमारा यहां पे लिख के आ रहा है। मैंने यहां पे कुछ भी नहीं लिखा, ये तब भी यहां पे काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहां पे इसे क्या कर रखा है, यहां हमने इसे ब्लैंक कर रखा है, ये देखो मैंने यहां पे इसे ब्लैंक कर रखा है, ठीक। अभी हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तब भी हमारा ये होम मेथड यहां पे कॉल हो जाएगा। तो अभी तक हमने इतना काम किया है, अब इससे आगे हमें काम करना है। एक मिनट आया, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी हम डिस्प्ले कर रहे हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं ना, यहीं पे डिस्प्ले कर रहे हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसके जगह पे किसी HTML फाइल को यूज कर लेते या किसी HTML फाइल को हम यहाँ पे कॉल करवा लेते? तो यदि हम यहाँ पे HTML फाइल को कॉल करवा लेते तो उसमें और भी हम ज़्यादा कुछ कर सकते थे। भाई यहाँ तो तुम एक लाइन में अपना काम तमाम कर दिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये भाई यहाँ पे हम HTML फाइल को यहाँ पे कॉल कर लें। तो HTML फाइल को कॉल करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा ये है। तो सबसे पहले जब कभी भी हमें यहाँ पे किसी HTML फाइल वगैरह को कॉल करना है ना, तो HTML फाइल को कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे एक टेम्पलेट फोल्डर बनानी पड़ेगी। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक टेम्पलेट फोल्डर बनानी पड़ेगी, और टेम्पलेट फोल्डर के अंदर में हम यहाँ पे अपने HTML फाइल को डालेंगे। तो
तो हम यहाँ पे एक टेम्पलेट फोल्डर बना लेते हैं ना। और वो जो टेम्पलेट फोल्डर बनाओगे वो टेम्पलेट फोल्डर कहाँ पे बनाओगे, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं इस ये जो हमारा ये एप्स के अंदर नहीं बनाना है, ठीक है, ये जो हमारा एजाइल है, एजाइल के अंदर मैं यहाँ पे एक न्यू करके एक फोल्डर बना लेता हूँ, डायरेक्टरी बना लेता हूँ, और इस डायरेक्टरी का नाम मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ टेम्पलेट्स, मैं इसका नाम रख देता हूँ टेम्पलेट्स। कुछ भी दे सकते हैं लेकिन आइडियली लोग टेम्पलेट ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैं भी टेम्पलेट ही ले रहा हूँ, ठीक है। इसको कहाँ बनाना है, एप्स के बाहर, एप्स के अंदर नहीं बनाना। ये देखो ये मैंने एप्स के बाहर बनाया ये टेम्पलेट फोल्डर, कैसे बनाया, राइट क्लिक न्यू, मैंने यहाँ पे बोला डायरेक्टरी और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया और ये मैंने यहाँ पे टेम्पलेट फोल्डर बना लिया, ठीक। पहला काम अभी हमें यहाँ पे ये करना है, और इस टेम्पलेट फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लो मैं यहाँ पे एक HTML फाइल यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद न्यू, मैं यहाँ पे एक HTML फाइल ले लेता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे HTML फाइल का नाम देता हूँ home.html। अभी हमारा home.html का बॉयलर प्लेट आ गया, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, और अब आप यहाँ पे जो भी डालना चाहते हो डाल दो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ H1, मैं यहाँ पे देता हूँ थैंक्स एंड वेलकम, मैं यहाँ पे डालता हूँ थैंक्स एंड वेलकम। अब ये हमारा यहाँ पे थैंक्स एंड वेलकम आ गया, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई ये जो थैंक्स एंड वेलकम है ये यदि यहाँ पे सेंटर में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो मैं इसको सेंटर में ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ HR टैग भी ले लेता हूँ एक, और कुछ भी दिखाने के पर्पज़ से। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मार्क्यू चला देता हूँ, थोड़ा लगना चाहिए भैया कुछ आ रहा है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मार्क्यू, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मार्क्यू, और इस मार्क्यू टैग को मैं यहाँ पे कलाकारी कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, कि थोड़ा दिखना चाहिए ना कुछ, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे पैरामीटर होता है मार्क्यू का स्क्रॉल अमाउंट, मैं बोल देता हूँ स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल टू 50, तो ये 50 पिक्सल एक बार में मूव कर देगा तो थोड़ा फास्ट आएगा। तो ये हमने यहाँ पे मार्क्यू बना दिया, और मार्क्यू के अंदर हम बोल देते हैं जेंगो एंड HTML। अब हम यहाँ पे ये हमने यहाँ पे कलाकारी कर दी, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरा काम क्या करना है कि अभी तुमने यहाँ पे ये टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर होम डॉट HTML फाइल बना दिया, और इस होम डॉट HTML फाइल के अंदर आपने यहाँ पे ये सारी कलाकारी कर दी, कुछ भी कर दें आप यहाँ पे जो भी करना हो, अब पूरा का पूरा तुम यहाँ पे टेल ब्लॉक का CSS उठा के डाल दो, वो HTML वाला कोड उठा के डाल दो, जो भी डालना है यहाँ पे डाल दो। अब हमें नेक्स्ट काम का क्या करना है, यहाँ पे settings.py में आना है, settings.py यहाँ पे था हमारा, settings.py के अंदर ये देखो यहाँ पे settings.py में ये देखो यहाँ पे ये टेम्पलेट का लोकेशन है ना, ये यहाँ पे टेम्पलेट्स का लोकेशन है settings.py के अंदर, तो यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पे मुझे अपने टेम्पलेट्स का डायरेक्टरी मेंटेन करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओएस डॉट, अब ओएस डॉट के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पाथ डॉट, अब मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ ज्वाइन, ज्वाइन करवा दो। अब तुम किसे ज्वाइन करवाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ जहाँ पे भी हमारा बेस डायरेक्टरी है, जो हमारा बेस डायरेक्टरी है, और बेस डायरेक्टरी के अंदर में जो हमारे यहाँ पे फोल्डर का नाम है, तो जो हमारा फोल्डर था उस फोल्डर का नाम हमने यहाँ पे क्या दिया था, हमने अपने फोल्डर का नाम यहाँ पे टेम्पलेट्स दिया था, तो मैं यहाँ पे इसको टेम्पलेट्स कर देता हूँ, है ना। तो ये एंट्री मैंने यहाँ पे कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसकी जो डायरेक्टरी में मैं मेंशन कर रहा हूँ कि OS का जो पाथ है उसके अंदर जो ज्वाइन करवा दिया, यानी कि जो पाथ जहाँ है वो तो रहेगा ही, बेस DIR का मतलब जो हमारा पाइथन का जो हमारा इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी है उसके अंदर ये हमारा टेम्पलेट। ये देखो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक में फिर बार बार दिक्कत आएगी, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ टेम्पलेट्स, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ टेम्पलेट्स, सेम स्पेलिंग है TEMPLATES, TEMPLATES, ये यहाँ पर ये चीज़ बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले टेम्पलेट फोल्डर के अंदर HTML डाला, आपने यहाँ पे settings.py में टेम्पलेट के अंदर उस डायरेक्टरी को यहाँ पे मेंशन करा। अब आप तीसरा काम यहाँ पे क्या करोगे, इसको कॉल करवाओगे ना, और मैंने आपको बोल रखा है कि कॉल करने के लिए गुरुजी ने एक ही चीज़ बता रखी है कि बेटा कुछ भी कॉल करवाना है व्यू में चले जाओ, क्योंकि हमारा एंट्री पॉइंट कौन है, व्यू है, तो हम यहाँ पे व्यूज़ के अंदर आते हैं, हम यहाँ पे व्यू में आते हैं, और व्यू में अभी तो तुम बड़े स्मार्ट टाइप से लिख रहे थे रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, अब मुझे क्या करना है, होम डॉट HTML को कॉल करना है, तो जब कभी भी हमें यहाँ पे होम डॉट HTML को कॉल करना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब ये लाइन हम यहाँ से हटा देते हैं, अब ये लाइन यहाँ पे काम नहीं करेगा गुरुजी,
तो मैं यहाँ पे इस लाइन को हटा देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ, हटाना सही नहीं है, तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ रिटर्न, और मुझे रेंडर करना है। रेंडर मतलब रेंडरिंग का मतलब होता है आउटपुट डिस्प्ले करना, तो मैं यहाँ बोलता हूँ रेंडर। अब मैं यहाँ बोलता हूँ रेंडर, क्या भाई जब कभी भी तुम रिक्वेस्ट दोगे तो वो कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा, तो जो हमारा HTML फाइल का नाम था, तो हमारे HTML फाइल का नाम क्या था, हम यहाँ बोलते हैं home.html, हमने यहाँ पे बोल दिया home.html। अब देखो ये रेंडर तभी काम करेगा जब ऊपर में यहाँ पर रेंडर आ रहा हो। अभी मान लो गलती से तुमने ये रेंडर यहाँ पर नहीं लिखा, अभी मान लो ये नहीं आ रहा है, तो अब ये रेंडर भाई साहब जो है रेड हो के आ रहे हैं। जेंगो के अंदर जो पाईचार्म है वो बड़ा स्मार्ट है, ये आपको रेड दे रहा है, रेड है तो मतलब समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब तुम अधिक कर्सर ले जाओगे तो ये बताता है कि भाई वो तो आ ही नहीं रहा है। अभी मैं इसको सेलेक्ट करूँ, जरा गौर से देखो, अभी मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ये देखो यहाँ पे लाल बत्ती जल रही है ना, रेड लाइट आ रहा है। इस रेड लाइट पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे बोल रहा है, ये आपको हिंट दे रहा है भाई ये कहाँ से आएगा, तो ये बोल रहा है इम्पोर्ट कर लो। ये देखो कहाँ भाग गया वो, ये देखो इसने खुद ब खुद इम्पोर्ट कर लिया, ये देखो फ्रॉम जैंगो डॉट शॉर्टकट इम्पोर्ट रेंडर। तो आप लिखने से भी बच गए, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको हमेशा लिखना ही है। अब यदि मैं इसको रन करूँ, बाकी ये जो तुमने काम किया है कहाँ पे काम किया है, होम के अंदर ही तो किया है, और होम जो है हमारा url.py के अंदर तो कॉल नहीं हो रहा है। तो यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, मैं इस भाई साहब को यहाँ पे रन कर दूँ, तो यही तो आपने लिखा था थैंक्स एंड वेलकम जैंगो एंड HTML। तो पहले जहाँ पे आपका आ रहा था जय हिंद, वहाँ पे ये भाई साहब हमारे मार्क्यू भाई साहब आ गए, और बड़ा तेज़ी से जा रहे हैं ये, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट लगा रखा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, समझ में आई बात। इस चीज़ को मैं यहाँ पे शब्दों में बयां कर देता हूँ जिससे कि आपको काम करने में आसानी हो। तो मैं बोल रहा हूँ टू कॉल HTML फाइल, यदि मुझे किसी HTML पेज को कॉल करना है तो HTML पेज को आप कैसे कॉल करोगे। तो HTML पेज को कॉल करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्रिएटिव फोल्डर, और कौन सा फोल्डर बनाओगे, बाय द नेम ऑफ टैंपलेट्स। ये देखो यहाँ पर टैंपलेट्स के नाम से एक फोल्डर बनाना है, ये हमारा यहाँ पर टैंपलेट्स है, टैंपलेट्स के नाम से एक फोल्डर बनाना। और ये फोल्डर बनाना कहाँ पे है याद रखिएगा, आउटसाइड ऑफ एप्स, एप्स के अंदर मत बनाइएगा, ये एप्स से बाहर रहेगा, जैसे हमारा यहाँ पे है ना, ये देखो ये यहाँ पे एजाइल के अंदर ये हमारा इसमें है, ठीक है, तो ये हमारा एप से बाहर है, ठीक, ये एप्स हमारा कैल्क है, कैल्क के अंदर नहीं है, ये अलग है, ठीक है। तो पहला काम हमें ये करना है, दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, और फोल्डर बनाओगे कैसे, तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, न्यू करोगे, डायरेक्टरी करोगे, तो वो हमारा फोल्डर बन जाएगा, ठीक। पहला काम तो ये करना है, दूसरा काम क्या करना है, ये जो आपने यहाँ पे, अब यहाँ पे एक फाइल ऐड करो, यहाँ पे फाइल ऐड कर दो, कौन सा, जैसे हमने कर दिया home.html। अब इस home.html के अंदर अपनी आप कलाकारी कर लो, ये जो हमारा home.html था इसके अंदर आपने कलाकारी कर दी, ये home.html के अंदर आपने यहाँ पे कलाकारी कर दी, है ना, ये home.html के अंदर आपने यहाँ पे कलाकारी कर दी, ये तो ऐड, बस आपने ये लाइन लिखा है और ये लाइन लिखा है। तीसरा काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको settings.py में जाना है, कहाँ जाना है, settings.py के अंदर आनी है, और settings.py में यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे बताना है टेम्पलेट्स के अंदर ये जो DIR है उसमें चेंज करना है भाई, ठीक है, टेम्पलेट के अंदर ये जो DIR वाला फोल्डर है वो डालना है यहाँ पे, बाकी जो है वो रहने दीजिएगा, आपको बस इस वाले लाइन में चेंज करना है। याद रखना जैंगो में कुछ हटाते नहीं है, जहाँ चेंज करना है वहीं चेंज करना है, बाकी को आप एज इट इज छोड़ दें। तो यहाँ पे मैंने टेम्पलेट के अंदर ये डाल दिया, याद रखना ये जो नाम दे रहा हूँ मैं फोल्डर का टेम्पलेट्स, यही नाम यहाँ पे भी आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, पता लगा वहाँ पर टेम्पलेट का टी कैपिटल है, यहाँ पे आपने स्मॉल कर दिया, प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक। चौथा काम आपको क्या करना है, अब आपको इस HTML को व्यू में कॉल करवाना है, तो व्यू में कॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, ये राजी व्यू से मैं इसको कॉल करवा रहा हूँ, यहाँ पे व्यूज डॉट पाई है, व्यूज डॉट हमारा पाई है, और इस व्यूज डॉट पाई के अंदर मैं इसे यहाँ पे कॉल करवाता हूँ फ्रॉम जैंगो डॉट HTTP, ये तो पहले आ ही रहा था, यदि मैं इसको हटा भी दूंगा तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है क्योंकि यूज नहीं कर रहा है ना, हम HTTP रिस्पॉन्स को तो कमेंट कर दिए हैं। अब यहाँ पे ये वाला लगाना जरूरी है, फ्रॉम जैंगो डॉट शॉर्टकट इम्पोर्ट रेंडर, रेंडर का मतलब होता है आउटपुट फ्लैश करना, तो मैं यहाँ बोलता हूँ रिटर्न रेंडर, और कहाँ भेजना है, तो मैं बोलता हूँ सीधे भेज दो भी home.html पे, तो बस ये हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। तो
तो यहाँ पे हमारा ये जो HTML फाइल है, ये HTML फाइल हमारे यहाँ पे काम कर रहा है ना। लेकिन भाई अभी क्या हो रहा है कि ये जो आपका HTML फाइल तो चलो काम कर रहा है, आप बड़े अच्छे इंसान हो, ये यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन यार ये जो HTML फाइल है, ये HTML फाइल के अंदर ये जो तुम यहाँ पे लिख रहे हो Django एंड HTML, ये तो तुमने फिक्स कर दिया, ये तो तुमने यहाँ पे कोड हार्ड कोड कर दिया कि भाई मान लो यदि मुझे यहाँ पे कुछ और डालने का मन करे तो, यदि मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ और डालने का मन करे तो मैं क्या करूँगा। मैं चाहता हूँ जैसे मान लो मैंने बोलता हूँ यहाँ पे Django एंड HTML, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ बाय, चलिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ थैंक्स एंड वेलकम। अब अभी क्या है कि जो भी आप मैसेज यहाँ पे दे रहे हो, ये सारा मैसेज फिक्स्ड है HTML के अंदर जो भी आपने दिया है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस मैसेज को ना, ये जो मैसेज है मेरा, इस मैसेज को मैं डायनामिक बनाना चाहता हूँ, यानी कि जो हमारा HTML का पेज है, इस HTML पेज को मैं डायनामिक बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैं व्यूज़ से वैल्यू पास करूँ, व्यूज़ से वैल्यू पास करूँ और वो वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले काम करना चाहिए। तो मैं व्यूज से वैल्यू पास करना चाहता हूँ, मतलब HTML पेज के डेटा को डायनामिक बनाना चाहता हूँ। तो जब कभी भी HTML पेज के डेटा को डायनामिक बनाना होता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग काम करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं जिंजा टैम्पलेट। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, जिंजा टैम्पलेट। अब ये जिंजा टैम्पलेट कुछ भी नहीं होता बेसिकली। ये जिंजा टैम्पलेट का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी आपको डालना है यहाँ पे, ये ब्रेसेज में डालना है, डबल ब्रेसेज के अंदर जो कुछ भी तुम्हें डालना है यहाँ पे, ये डबल ब्रेसेज के अंदर डालना है। तो जिंजा टैम्पलेट हम लोग HTML में यूज़ करते हैं, और इसके थ्रू हम पेज को डायनामिक बनाते हैं, नहीं तो हमारा पेज जो है वो तो स्टैटिक रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ डिस्प्ले करवा दूँ, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ यहाँ पे थैंक्स एंड वेलकम, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय, भाई मैं यहाँ पे बोल देता हूँ संतोष। अभी मैं यहाँ पे संतोष देता हूँ, अभी यदि मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे तो संतोष ही तो लिखा आएगा, लेकिन यार ये कोई बात थोड़ी है, ये तो सुमित भी कर सकता है, ये प्रवीण भी कर सकता है, ये अजय भी कर सकता है, तो भाई मैं जो वैल्यू दूँ वो लेना चाहिए यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे संतोष ना यूज करके हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे ये डबल ब्रेसेस लगाते हैं, हम यहाँ पे ये डबल ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है। और इस डबल ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम मान लीजिए यहाँ पे देते हैं नेम, ठीक है, हम यहाँ पे देते हैं नेम। हमारा क्या है, ये वेरिएबल है, नेम हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा यहाँ पे वेरिएबल है। और ये जो नेम तुमने यहाँ पे दिया है ना, इसको मैं व्यूज़ के थ्रू कॉल करवाता हूँ। यहाँ पे जब तुमने यहाँ पे दिया था रिक्वेस्ट कॉमा होम डॉट HTML, तो यहाँ पे तुम वो पैरामीटर्स की वैल्यू पास करोगे। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे पास करोगे, तो यहाँ पे लगा दो। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ तुमने यहाँ पे क्या लिया था, नेम स्मॉल में लिया था, तो मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, मैं यहाँ पर भी नेम स्मॉल में लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे भी नेम जो है स्मॉल में लेता हूँ, डिक्शनरी फॉर्मेट यूज करेंगे। और इस नेम के अंदर मैं यहाँ पे प्रवीण पास कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे प्रवीण पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे नेम तुमने प्रवीण दे दिया, तो ऑलरेडी तुमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, नेम यूज़ किया है। अब यदि मैं इस कोड को यहाँ पे रन करूँ, तो यहाँ पे जो संतोष आ रहा था पहले, उसके जगह अब देखो यहाँ पे, अरे भाई ये तो आया ही नहीं। अब ये देखते हैं भाई ये क्यों नहीं आया यार, ये तो बड़ा दिक्कत है। मैंने यहाँ पे नेम दे दिया और सारा चीज़ दे दिया, और ये तब भी यहाँ पे आ नहीं रहा है बॉस, तो नहीं आ रहा है, तो फिर हम इसको करें क्या। ये हमने यहाँ पे नेम लिया है, और ये नेम यहाँ पे व्यूज डॉट के अंदर, जी यार ये अब तो आ नहीं रहा है। अब इसको लाने के लिए, अच्छा एक चीज़ और समझो, ये जो हम यहाँ पे जिंजा फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली इट्स ए पार्ट ऑफ DTL, अभी लाते हैं उसको। ये जो हम यहाँ पे जिंजा टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ DTL। DTL का मतलब क्या होता है, DTL का मतलब होता है Django टेम्पलेट लैंग्वेज। DTL का मतलब होता है Django टेम्पलेट लैंग्वेज। देखो Django टेम्पलेट लैंग्वेज क्या है, Django का अपना टेम्पलेट लैंग्वेज होता है। Django का अपना टेम्पलेट लैंग्वेज का मतलब क्या है, देखो हम लोग पाइथन में काम कर, मतलब हम Django में काम करते हैं, जो हम व्यूज में काम करते हैं, व्यूज के अलावा जो हम वहाँ पर मॉडल में काम करते हैं,
तो जो हम वहाँ पे मॉडल में काम करते हैं वो काम करते हैं, तो वो जो आप वहाँ पे काम करते हो ना, तो वो तो हम पाइथन में करते हैं। HTML थोड़ी समझ पाएगा आपके पाइथन के कोड को? तो यहाँ पे जैंगो ने क्या कर दिया, जैंगो ने बोला कि भाई अब आप एक काम करो, आपको काम क्या करना है यहाँ पे, इसने बोला कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, आप जो है बस एक काम कर लें कि वहाँ पे जिंजा टेम्पलेट यूज़ कर लें। तो ये जो हमारा जिंजा, इसका अपना सब कुछ होता है, इसका अपना फॉर लूप होता है, इसका अपना इफ होता है, इसका अपना ब्लॉक होता है, इसका सारा कुछ होता है अपना। तो ये इसके अपने टेम्पलेट लैंग्वेज हैं। तो इस DTL के अंदर, जैंगो टेम्पलेट लैंग्वेज के अंदर, तो इसी के अंदर ये हमारा जिंजा टेम्पलेट्स भी आता है, जो हम लोग यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको देख कर लेता हूँ एक बार, कंट्रोल सी करो, एक बार रन करो इसको। अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, ये देखो आ रहा है, तब मैंने रन नहीं किया था, रिफ्रेश नहीं हुआ था, इसलिए नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ पे थैंक्स एंड वेलकम भाई, आपने प्रवीण लिखा था, तो यहाँ पे हमारा प्रवीण आ रहा है। और अभी मान लो मैं यहाँ पे प्रवीण के जगह, मान लो मैं यहाँ पे प्रवीण के जगह यहाँ पे काम कर दूँ, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे राम जी का नाम दे देता हूँ, तो क्या दिक्कत है भाई, भगवान प्रभु हैं ये। तो अब यदि मान लो मैं राम जी दे दूँ, तो भाई राम जी आना चाहिए, वैसे भी आजकल राम जी बहुत डिमांड में है भैया, अभी बन रहा है ना अयोध्या में 5 तारीख को, तो थोड़ा सा ये देखो अब हमारा यहाँ पे राम जी आ रहा है ना, पहले नहीं आ रहा था। तो मेरे कहने का मतलब ये, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो भी वैल्यू दे देंगे, उस वैल्यू को लेके हम यहाँ पे काम करवा सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे काम करवा सकते हैं, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, और जो भी आपको यहाँ पे डालना है इस तरीके से हम डाल सकते हैं। तो मैंने आपसे ये बोला कि जो हमारा HTML पेज है उसको आप डायनामिक कैसे बनाओगे, तो HTML पेज को डायनामिक बनाने के लिए हम लोग DTL यूज करते हैं, जैंगो टेम्पलेट लैंग्वेज करते हैं, और जिसके अंदर हम जिंजा फॉर्मेट यूज करते हैं, जिंजा टेम्पलेट। जिंजा टेम्पलेट जब भी लगाते हैं तो डबल ब्रेसेस के साथ, मतलब आप ये समझ लो कि हमें यहाँ पे व्यूज से कुछ भी वैल्यू कभी भी भेजना हो कहाँ पे, HTML पे, तो यहाँ पे भाई आपको ये जिंजा फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे जिंजा फॉर्मेट मतलब ये डबल कोटेशन के अंदर डालेंगे, और याद रखना यहाँ पे आपको कुछ ये सब नहीं लगाना, ये वेरिएबल है यहाँ पे, ये सब नहीं लगाना यहाँ पे, ये सिंगल कोटेशन ये सब नहीं लगाना। ये हमारा जो यहाँ पे व्यूज है, व्यूज के अंदर जब आप पास करोगे तो डिक्शनरी फॉर्मेट में पास करोगे, ये हमारा डिक्शनरी है ना, ये हमारा की है, और ये हमारा वैल्यूज है जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब मान लो मेरे पास और भी चीज़ें हैं डिस्प्ले करने के लिए, अब जैसे तुमने यहाँ पे नेम ले लिया, और मैं यहाँ पे भी चेंज करना चाहता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जिंजा जैंगो एंड HTML आ रहा है, और मैं यहाँ पे कुछ अलग फॉर्मेट लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, कोई जरूरी थोड़ी मैं एक ही लगाऊँ। नेम एंड मान लीजिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ लोकेशन, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ लोकेशन, तो अब यहाँ से तुम क्या पास करोगे, नेम के साथ साथ तुम यहाँ पे लोकेशन भी पास करोगे। तो लोकेशन पास करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं जहाँ पे तुमने यहाँ पे यूज़ किया था व्यूज़ में नेम, अब यहीं पे डाल दो, यहाँ पे क्या डाल दोगे, कॉमा, और यहाँ पे कैपिटल स्मॉल, यहाँ पे लोकेशन है हमारा, तो हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, हम यहाँ बोल देते हैं लोकेशन। और ये जो हमारा लोकेशन है, लोकेशन के अंदर हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, मान लो मैं यहाँ बोल देता हूँ दिल्ली। अब यदि मैं इसको रन करूँ, ये जो हमारे भाई साहब हैं, कंट्रोल सी कर लो, रन करो, अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, तो ये आ रहा है डिजाइन एंड, बहुत तेज आ रहा है भाई, जैंगो एंड HTML भाई दिल्ली। तो जो मेरे कहने का मतलब, ये जो वैल्यू है मैं वहाँ से पास कर रहा हूँ, और वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरे कहने का मतलब हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। तो आपकी जो कोड निकल के आई सामने, वो क्या आई कि भाई जब भी जिंजा फॉर्मेट यूज़ करना है तो इस तरीके से तुम अपना लगा दो, यहाँ पे ये डबल ब्रेसेस लगा दो, है ना। तो मैं पूरा HTML में कोड कॉपी कर देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो। तो अभी ये काम करना है, तो जो हमारा HTML पेज होगा, HTML पेज के अंदर जो हमारा HTML पेज होगा, HTML पेज के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये डाल देंगे, ठीक। और इसका क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारा व्यूज़ बनेगा, जो हमारा व्यूज़ डॉट पाई बनेगा, तो व्यूज़ डॉट पाई में आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, तो व्यूज़ डॉट पाई में ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पास करो। ये देखो, ये तुमने नेम पास कर दिया, यानी कि जहाँ पे तुम रेंडर करवा रहे हो ना, पेज को कॉल कर रहे हो, उसके बगल में ही वहाँ पे पैरामीटर पास करवाना है, पेज के बगल में ही वहाँ पे पैरामीटर पास करवानी है। याद रखना ये सब कमेंट होता है, तो आप इसको हटा भी सकते हो, जो खुद लिख रहे हो तो हटा भी सकते हो, लेकिन आप लिखोगे तो नहीं, मतलब भाई वो चीज़ें तो आती ही रहे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे इसका वैल्यू पास करते हो। समझ में आई बात, हाउ टू पास द वैल्यूज फ्रॉम द व्यूज टू HTML।
व्यू से हम लोग HTML में वैल्यू कैसे पास करेंगे, ये बात समझ में आई? बताओ क्या बोल रहे हो? सर, मैं सुमित से बोल रहा हूँ। उन्हें कंफ्यूजन था ना। हाँ, हाँ जी बॉस, लोग किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। जी राम जी, आगे बढ़ें। चलिए सर, गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है भाई, आप लोग बड़े अच्छे इंसान हो, सर, सीधा जैसे बोल रहे। कि हाँ जी, मैं बोल रहा था कि हाँ वहां पे जैसे हम लोगों ने डायनेमिक तो बनाया है, मगर हाँ डायनेमिक बनाते टाइम हमने सिर्फ व्यू फंक्शन में जाके पैरामीटर की तरह पास किया है उसे। जी तो जी जी इस पैरामीटर का कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, पहला ये, नहीं और नहीं दूसरा सर नहीं ये। कोई सीक्वेंस नहीं है बेसिकली। जब तुम वहां पे, वो जब वहां जाएगा ना, तो वहां सीधे हाँ देखेगा भैया नेम है कि नहीं है, ना ये रहा नेम, उठा के दे देगा, तो इसका कोई हाँ सीक्वेंस नहीं और है। हाँ हाँ ठीक है। और दूसरा ये चीज है कि जैसे कि आपने यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्मेट में पास किया है, तो हाँ जैसे हम कोई डेटा स्ट्रक्चर डिक्शनरी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हाँ उस डिक्शनरी में तो मतलब बहुत सारे वैल्यूज होंगे ना, तो उसमें वो फैच कैसे करेगा, वो थोड़ा बता पाएंगे? मतलब डिक्शनरी में हम समझे नहीं तुम्हारी बातों को। जैसे डिक्शनरी एक डेटा डेटा टाइप है पाइथन में, तो हाँ यहाँ पे वो डिक्शनरी डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, हम आप यही बोल रहे हैं ना यहाँ यहाँ पे हम पे? डिक्शनरी यूज कर रहे हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये यह है कि जब भी तुम यहाँ पे वैल्यू पास करोगे ना, तो डिक्शनरी फॉर्मेट में पास करोगे। यहाँ पे हम लिस्ट यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हम सेट नहीं यूज कर सकते, यहाँ टपल यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे डिक्शनरी ही यूज करना है, यानी कि नेम और वैल्यू, नेम और वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल का नाम है और ये उसकी वैल्यू है, ये वेरिएबल का नाम है वो उसकी वैल्यू है। अब यहाँ सर, पे तो मेरी जितनी ये भी काइंड ऑफ वो हो गया ना, स्टैटिक ही हो गया ना फिर तो, ये काइंड ऑफ। स्टैटिक, देखो एक तरह से तो अभी हम स्टैटिक में ही काम कर रहे हैं बेसिकली। अभी तक क्या था कि हम HTML में ही लिख रहे थे ना सारा चीज़। अब हाँ इसको हाँ मैं हाँ थोड़ा सा ऊपर उठा के लाया, मैं ये बोल रहा हूँ कि HTML में मत लिखो, आप एक काम करो कि व्यू से वैल्यू पास करो। तो अब हम थोड़ा सा इसको डायनामिक की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मतलब हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं कहाँ से पास कर रहे हैं, व्यू से पास कर रहे हैं ना। अभी तुम व्यू से पास कर रहे हो और डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो, बाद में इसको हम टेक्स्ट बॉक्स से पास करेंगे, ओके ठीक है ना, बाद में फिर इसको हम डेटाबेस से पास करेंगे। आप समझ रहे हो बात को? जी, हाँ सर, तो वही हम, डाउट मतलब मेरे हाँ को, हाँ कि तब जैसे कि मैंने हाँ डिक्शनरी, आप यहाँ पे डिक्शनरी का वेरिएबल यूज करेंगे तो वो हाँ डेटा, ठीक है। ठीक है। अभी हम धीरे धीरे डायनामिक की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अभी तो बस हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि भाई लो भाई कैसे पास होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जिंजा फॉर्मेट का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पास करेंगे। सर आई हैव अ डाउट। हाँ 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 सर उसने क्वेश्चन सर ये पूछा था कि सर अगर उसमें हम एक जैसे डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी पे तो हम कितने भी एलिमेंट पास कर सकते हैं हाँ वैल्यू पेयर्स यहाँ में? पे जितना वैल्यू भाई हम उतना ही पास करेंगे ना, जितना यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट होगी। अब मान लो बिल्कुल बिल्कुल अब तुम यहाँ पे एड्रेस डाल रहे हो, तुम यहाँ पे सिटी डाल रहे हो, तुम यहाँ पे फोन डाल रहे हो, अब वो तो यहाँ पे यूज ही नहीं रहा, तो बेकार ही जाएगा, आपका कोई मतलब नहीं है उसका। यस सर, यस सर, तो ओके सर, अब मतलब यदि मान लो हम डाल भी देंगे तो उसका क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं भाई। इसका फायदा तो तब तक नहीं है ना जब तक मैं इसको यहाँ पे कॉल ना करूँ। यदि मान लो मैं इसको भी यस हटा दूँ, तो तुम ये भी जो डाल रहे हो ये भी बेकार है, यूजलेस है, यस ठीक है ना। चलिए, सर, अब आइए बॉस, बहुत अच्छी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, और वो हम बात करेंगे कि हर एक लैंग्वेज के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है मास्टर पेज। हर एक लैंग्वेज का अपना टर्म है ये, मतलब यहाँ पे भी हमारा मास्टर पेज होता है। देखो मास्टर पेज मैं किसे बोलता हूँ, मास्टर पेज मैं उस पेज को बोलता हूँ कि जैसे मान लो आप जरा गौर करो, कोई भी वेबसाइट मैं ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को ओपन करूँ, अरे मान लो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ नवभारत टाइम्स, मान लीजिए मैं यहाँ ओपन करता हूँ नवभारत टाइम्स, तो ये राजे नवभारत टाइम्स। आप जरा गौर से देखो किसी वेबसाइट के अंदर, ये देखो ये जो ऊपर वाला कोरोना वायरस है, ठीक है, राम जन्मभूमि के नीचे नहीं रखा जाएगा टाइम कैप्सूल ट्रस्ट, अच्छा जी, ये हमारा ऊपर वाला ये टेम्पलेट है, और ये नीचे आ जाओ तो नीचे में हमारा ये टेम्पलेट है ना। अब यदि मैं किसी भी पेज पे जाता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे आता हूँ दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी, या बोले हेल्थ मिनिस्टर, यहाँ पे आ जाए हेल्थ मिनिस्टर पे, आप जरा गौर से देखो बीच का कंटेंट चेंज हो गया, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है और ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो चेंज थोड़ी हुआ। आप कहीं भी पूरे पेज में चले जाओ, आप किसी भी वेबसाइट में देखोगे, नॉर्मली ये एक प्रोसेस होती है
कि जो हमारा दिखता है वो कौन सा दिखता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कश्मीर में अब आया नया आतंकी संगठन, बढ़ी टेंशन। तो अब यार ये टेंशन तो बढ़ गया है, लेकिन हमारा टेंशन यहाँ पे नहीं बढ़ा। ये ऊपर वाला पोर्शन और ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये सभी में कॉमन है। तो मैं चाहता क्या हूँ भाई, मैं भी कुछ इसी टाइप का अपना पेज डिजाइन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई ऊपर में हम फिक्स कर दें ऊपर की कहानी, और नीचे की कहानी मैं फिक्स कर दूँ। बीच में अपना कंटेंट अपना चेंज होता रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट हम बनाएंगे तो उसमें हेडर फुटर तो डालिएगा। अब जैसे ये आपने हेडर डाल दिया, इसी तरह से हम फुटर डाल दें और बीच का जो कहानी है वो अपना चेंज होता रहे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मास्टर पेज। कभी भी हर एक लैंग्वेज में, स्पेशली ये .NET का टर्म है जिसको आप सभी लोग यूज़ करते हैं। तो मास्टर पेज का मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई जो हमारा हेडर एंड फुटर है वो हेडर एंड फुटर हम यहाँ पर डिफाइन कर दें, और बाकी जो बीच वाला कंटेंट है वो अपना चेंज होता रहे। तो अब ये काम आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमें यहाँ पे काम करना है। तो हम लोग यहाँ पे पाइथन जैंगो के अंदर लोगों ने अलग टर्म दे रखा है, लोगों ने उसे टर्म दे रखा है बेस डॉट एच टी एम एल जैंगो के अंदर, सॉरी जैंगो के अंदर, हाँ जैंगो के अंदर लोगों ने उसे क्या टर्म दे रखा है, बेस डॉट एच टी एम एल। तो आइए हम यहाँ पे टेम्पलेट फोल्डर के अंदर आते हैं। टेम्पलेट के अंदर हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे करते हैं न्यू, और यहाँ पे हम एच टी एम एल फाइल बनाते हैं। और ये जो एच टी एम एल फाइल बनाते हैं इसका नाम हम रखते हैं बेस डॉट एच टी एम एल। लोगों ने जैंगो में एक स्टैंडर्ड बना रखा है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन मैं देता हूँ बेस डॉट एच टी एम एल। आ गया, ये यह हमारा यहाँ पे बेस डॉट एच टी एम एल। अब ये जो बेस डॉट एच टी एम एल है इसके अंदर तुम पूरी कहानी चेंज कर दो, आप जो भी कुछ करना चाहते हो। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ बीजी कलर चेंज कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ डाल दिया, और इसके अलावा आपने यहाँ पे ये डाल दिया, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ H1, मैं यहाँ पे H1 बोल देता हूँ, और मैं यहाँ पे सेंटर में ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे सेंटर में ले लेता हूँ, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, मैं हेडर बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सेंट्रल, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल्स पोर्टल, कुछ भी डाल दो, डाल दिया। और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एचआर, ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हमारा हेडर हो गया। अब मैं यहाँ पे फुटर बना लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे फुटर बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे फुटर कैसे बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एचआर को ऊपर में ले लेता हूँ, एचआर को ऊपर में ले लेता हूँ, है ना। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ सेंटर, और इसको H1 की जगह मैं H3 कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कॉपीराइट, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कॉपीराइट एट द रेट yaya.com, ठीक। जो भी अपना डालना है था डाल दिया हमने। तो मैंने हेडर में जो भी रखना है मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, फुटर में जो भी रखना है मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, है ना। और यहाँ पे अब मुझे इन दोनों लाइनों के बीच में अपना कंटेंट रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जैंगो टेम्पलेट लैंग्वेज, और जैंगो टेम्पलेट लैंग्वेज के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा ब्रेसेस। मैं यहाँ पे करता हूँ ब्रेसेस परसेंटाइल। यहाँ पे जब कभी भी हमें ब्लॉक डिफाइन करना हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्लॉक, और यहाँ पे हम लिखते हैं कंटेंट। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ब्लॉक कंटेंट, और इस ब्लॉक कंटेंट के अंदर हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। और ये जो तुम्हारा ब्लॉक कंटेंट है इस ब्लॉक का एंड ब्लॉक भी आप लिखोगे, तो हम यहाँ पे बोलते हैं एंड ब्लॉक। हम यहाँ पे बोलते हैं क्या, एंड ब्लॉक, मैंने यहाँ पे बोल दिया एंड ब्लॉक। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ये तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम लोग यहाँ पे ये बनाना चाहते हैं तो हमें करना क्या है, तो यहाँ पे हम ब्लॉक डिफाइन कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे ब्लॉक डिफाइन कर दिया, ये हमने एंड ब्लॉक यहाँ पे कर दिया, इसका नाम हमारा क्या है, यहाँ पे बेस डॉट एच टी एम एल है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कहानी मैंने करी है ये हमारी इस होम डॉट एच टी एम एल भी इम्प्लीमेंट हो जाए, यहाँ भी हेडर एंड फुटर आ जाए। तो यहाँ पे होम डॉट एच टी एम एल पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस बेस डॉट एच टी एम एल को इनहेरिट करता हूँ, इस बेस डॉट एच टी एम एल को इनहेरिट करता हूँ। तो बेस डॉट एच टी एम एल को मैं यहाँ पे कैसे इनहेरिट करूँगा, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सबसे ऊपर, मैं यहाँ पे बोलता हूँ परसेंटाइल, परसेंटाइल। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक्सटेंड, ये DTL लिख रहे हो तुम, जैंगो टेम्पलेट लैंग्वेज का कोड लिख रहे हो, तुम यहाँ बोलते हो एक्सटेंड, और किसको एक्सटेंड करना है भाई, तो हमारा बेस डॉट एच टी एम एल था उसको एक्सटेंड करना है, बेस डॉट एच टी एम एल को एक्सटेंड करना है। और मैं यहाँ पे इस ब्रेसेस को बंद कर देता हूँ, हो गया काम। ऊपर में ये माल मटेरियल डाल देना आपको, एक्सटेंड बेस डॉट एच टी एम एल, ये मैंने ऊपर में डाल दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है,
ये डालने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखूँगा, अब मुझे इतना लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये सब जो है ना, मैं यहाँ सब ये सब राम कहानी, मैं यहाँ से मैं सीधे एक काम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ जी, तुम्हारा ये जो कोड था, तुमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, बेस डॉट एचटीएमएल, तुमने यहाँ पे ब्लॉक यूज़ किया था ना, ब्लॉक एंड ब्लॉक, तो इस ब्लॉक एंड ब्लॉक के अंदर आपको कोड लिखना है ना। तो मैं ये सब कहानी हटा देता हूँ यहाँ पे, और मैं सीधे यहाँ पे बोल देता हूँ, मैं यहाँ पे सीधे बोल देता हूँ क्या, ये हमारा यहाँ पे बॉडी शॉडी ये हटाओ, मैं यहाँ पे सीधे बोल देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ परसेंटाइल, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ब्लॉक। और जो तुमने ब्लॉक दिया था इसका नाम क्या था यहाँ पे, कंटेंट ना। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ होम के अंदर ब्लॉक, अब मैं यहाँ बोलता हूँ कंटेंट, कंटेंट डाल दिया, और ये ब्रेसेस को यहाँ पे बंद कर दो, हो गया। अब जो भी कलाकारी करनी है अपनी कलाकारी कर लो, और कलाकारी करने के बाद हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम यहाँ बोलते हैं परसेंटाइल, और परसेंटाइल के बाद हम यहाँ पे क्या बोलते हैं एंड ब्लॉक, और ये जो हमारा परसेंटाइल है इसको बंद कर दिया। मतलब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक और एंड ब्लॉक के बीच में तुम जो कुछ भी लिखोगे वो इस बेस डॉट एच टी एम एल के साथ फिट हो जाएगा, मतलब ये बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर यहाँ की कहानी आ जाएगी वो। तो अब मैं यदि इसको यहाँ पे रन करता हूँ, और बाकी तो अपना तुम कर ही रहे हो, यदि मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, यदि मैं इसको यहाँ पे रन करूँ टर्मिनल के ऊपर, कंट्रोल सी कर दो, फिर से रन कर देते हैं। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, ये देखो ये ऊपर वाला पोर्शन, ये तो हमारा वहीं से आ रहा है, और ये नीचे वाला पोर्शन भी वहीं से आ रहा है, बाकी ये कोड तुमने यहाँ पे डाल दिया। अब मान लो कल के डेट में, इस तरह से हम और भी सारे पेज बना सकते हैं, उन पेज को हम इससे लिंक कर सकते हैं। कल के डेट में क्लाइंट मुझे बोलता है, यार तुम्हारा ये कलर पसंद नहीं आ रहा है मुझे, मान लो मैंने होम डॉट एच टी एम एल बनाया, अब मैं और भी तो बना सकता हूँ एच टी एम एल, न्यू एच टी एम एल फाइल, मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ जी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, भाई मैं मल्टीपल एच टी एम एल बना सकता हूँ, और ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर भी उसको एक्सटेंड करवा दूंगा, है ना, इसको मैंने यहाँ पे एक्सटेंड करवा दिया, है ना, मैंने यहाँ पे एक्सटेंड करवा दिया। अब मान लो तुम यहाँ पे कुछ और डिस्प्ले करना चाहते हो, तुम यहाँ पे और कुछ डिस्प्ले करना चाहते हो, या जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हो, है ना। तो मेरे कहने का मतलब, मेरे पास ये दो एच टी एम एल फाइलें हैं, होम और ये इंडेक्स, और ये दोनों कहाँ से इनिट कर रहा है, बेस से, बेस में ही तो कर रहा है, बेस में तुमने ऊपर में यहाँ पे क्या लिख रखा है, बेस में आपने यहाँ पे ये डाल रखा है ब्लॉक कंटेंट, और यहाँ पे होम के अंदर एक्सटेंड करवा रखा है, इंडेक्स के अंदर एक्सटेंड करवा रखा है। कल के डेट में क्लाइंट बोलता है, यार ये कलर मुझे पसंद नहीं आया, तो नहीं पसंद आया तो भाई ये काम कर, मैं फिर से एक्सचेंज, मैं एक जगह चेंज करूँगा, और वो जो चेंज है वो सभी जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। ये राजी, मैंने एक जगह चेंज किया और वो सभी जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मास्टर पेज बनाते हैं, और उस मास्टर पेज को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से यूज करते हैं, डीटीएल का यूज करके। समझ में आई बात? अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना, ये हमारे यहाँ पे बॉडी बीजी कलर है। अब आपको यहाँ पे जो भी चेंजेस करना हो, जैसे भी चेंज करना हो, आप यहाँ पे चेंज करें। अब आपको बस ये वाला बीच वाला पोर्शन पे ध्यान देना है, इसको छोड़ दीजिए खाली, अब बाकी जितने भी पेज में आप आएंगे, अब आपको बस ऊपर में ये लाइन लिखना है, और ब्लॉक कंटेंट डालना है, इसके अंदर जो माल मटेरियल डालना है वो डाल दीजिए, वो अपना काम करता जाएगा। समझ में आई बात, किस तरह से हम लोग बेस डॉट एच टी एम एल यूज करते हैं? इसको आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि हाउ टू यूज द बेस डॉट एच टी एम एल, हाउ टू यूज बेस डॉट एच टी एम एल, अक्सर लोग वो इसको बेस डॉट एच टी एम एल ही बोलते हैं जेंगो के अंदर, लेकिन मैंने इसको टर्म दिया कि मास्टर पेज, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड टर्म है जो सभी जगह यूज करते हैं। मास्टर पेज का मतलब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि कॉमन हेडर एंड फुटर हो, कॉमन हेडर एंड फुटर हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन हेडर एंड फुटर फॉर ऑल द पेजेस, ऑल द पेजेस, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मास्टर पेज। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेस डॉट एच टी एम एल फाइल बनाएंगे। तो बेस डॉट एच टी एम एल फाइल के अंदर हम इस तरीके से यहाँ पे कोड लिखते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे बेस डॉट एच टी एम एल फाइल है जो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, बेस डॉट एच टी एम एल फाइल बनाएंगे, और बेस डॉट एच टी एम यही नाम डालेंगे, ध्यान रखिएगा बेस डॉट एच टी एम एल फाइल के अंदर जो कुछ आ रहा है वो आ रहा है, इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ये कंटेंट का एरिया है, जो आप डेटा डालोगे उसका एरिया है। अब दूसरा काम आप क्या करोगे, ये जो हमारा होम डॉट एच टी एम एल फाइल था, होम डॉट एच टी एम एल के अंदर, या जो हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है,
उस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा होम डॉट एच टी एम एल था, इसके अंदर हम यहाँ पे एक्सटेंड करवा लेंगे। ये देखो यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है, ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, ये जो हमारा बेस डॉट एच टी एम एल फाइल है। अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, परसेंटाइल ब्लॉक कंटेंट, और जो भी हमें यहाँ पे डालना है वो हमने यहाँ पे डाल दिया, बाकी तो ये होम डॉट एच टी एम एल तुम्हारा फिर वहाँ से कॉल हो ही रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ द मास्टर पेज। मतलब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक ही जगह आपने चेंज करा, कहाँ पे आपने चेंज करा, आपने बेस डॉट एच टी एम एल फाइल में चेंज करा, और वो सभी जगह यहाँ पे हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। केवल कोड लिखते वक्त थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान भाई ये रखना है, अब जैसे आप लिख रहे हो एंड ब्लॉक, तो बीच में स्पेस नहीं होगा। अब ये नहीं कि पता लगा जी हम एंड ब्लॉक में अपने मन से स्पेस दे दिए, अब प्रॉब्लम आ जाएगी, ब्लॉक और कंटेंट के बीच में स्पेस होगा। अब हम यहाँ पे केवल एक्सटेंड नहीं लिखते हैं भाई, हम यहाँ पे एक्सटेंड्स लिखते हैं, जो भी फाइल का नाम होगा इस तरीके से हमें देना है। यहाँ पे परसेंटाइल टैग यूज करना है, तो ये जो तुम परसेंटाइल वाला ये लगा रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं DTL, Django टेम्पलेट लैंग्वेज का पार्ट है ये। एक तो हम लोग वहाँ पे डबल ये करके लगा रहे थे, ये लगा रहे थे ना, इसको हम बोलते हैं जिंजा फॉर्मेट। और ये जो परसेंटाइल और ये लगाते हो, इसको हम बोलते हैं Django टेम्पलेट लैंग्वेज। ये Django टेम्पलेट लैंग्वेज का हमारा ये एक पार्ट होता है। समझ में आई बात जी बंधुओं, ये समझ में आया? यस सर। चलिए, ये तो अभी हमने बात करी कि भाई मास्टर पेज को आप किस तरीके से यहां पे यूज करोगे, है ना। अब हम यहां पे बात करते हैं कि देखो मैं क्या चाहता हूं, मैं इसको सेव कर देता हूं। मैं क्या चाहता हूं कि भाई हमारा कम से कम जो है, देखो ये जो तुम्हारा एप्स है, ये जो तुम्हारा एप्स है, तुमने इस एप्स का नाम क्या दे रखा है, तुमने इस एप्स का नाम क्या दे रखा है, कैल्क दे रखा है। तो भाई कुछ कैलकुलेशंस तो करवा लो, तभी तो कैल्क है, नहीं तो किस बात का कैल्क, है ना। फिर तो हम अपने प्रोजेक्ट वगैरह पे आएंगे ही, तो अभी थोड़ा सा मैं इस कैल्क के ऊपर और घूमना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि भाई कुछ हमारा, जैसे मान लीजिए बटन सटन हो, हम बटन पे क्लिक करें, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालें, कुछ इस टाइप का काम करना चाहते हैं ना। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे एक फॉर्म एचटीएमएल पेज बनाता हूँ। तो ये हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, चलिए इसी को काम कर लेते हैं, या फिर हटा दीजिए, फालतू का जमा मत कीजिए, कचरा को जमा मत होने दो, कचरा उचरा है तो डिलीट मार के ख़त्म करो, क्योंकि अननेसेसरी बाद में वो कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, क्योंकि अभी तुम्हारा फाइल दो है, बाद में 10 फाइल आ जाएगा, उसमें पता लगा 10 कचरा भी आ गया, अब बाद में छांटते छांटते दिक्कत हो। इसलिए हमेशा क्लीन कोड लिखने की कोशिश करो, जो चीज़ें हैं जो यूज हो रहा है रहेगा, नहीं यूज है हटाओ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट बना लेता हूँ न्यू, और मैं यहाँ पे एक एचटीएमएल फाइल बना लेता हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एचटीएमएल फाइल बना लेता हूँ, किस नाम से कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ a.html, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अब इस a.html में मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना लेता हूँ यार, मैं यहाँ पे बोलता हूँ फॉर्म, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक्शन इज इक्वल टू, चलो यानी कि जब एक्शन पे क्लिक करोगे तो किसको कॉल करेगा, एक्शन का मतलब जानते हो ना, जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं फॉर्म पे, तो बाय डिफॉल्ट वो एक्शन को कॉल करता है। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि वो यहाँ पे मेथड को कॉल कर ले, तो हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, हम यहाँ बोल देते हैं ऐड, ऐड मेथड को कॉल कर ले। और कॉल करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है पोस्ट और एक होता है गेट। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पोस्ट, मैं बताता हूँ अभी ये पोस्ट और गेट क्या है। तो मैंने यहाँ पे ये मेथड दे दिया, एक मिनट, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू ऐड और मेथड इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ले लिया पोस्ट, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ भाई एंटर फर्स्ट नंबर, है ना। और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स तो बनता है हमारा, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं इनपुट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ नेम इज इक्वल टू, जो भी आप यहाँ पे लेना चाहें। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ बोल देता हूँ नम1, ले लिया। और मैं यहाँ पे दूसरा भी भाई साहब को भी ले लेता हूँ, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे एंटर सेकंड नंबर, मैं यहाँ बोल देता हूँ एंटर सेकंड नंबर,
तो यहाँ पे इसको भी ले लेता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और नंबर इज इक्वल टू टू, और मैं यहाँ पे एक सबमिट बटन डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ इनपुट, और मैं यहाँ बोल देता हूँ टाइप इज इक्वल टू क्या, तो ये रहा सबमिट बटन, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। तो ये हमारा यहाँ पे पेज है, ठीक है। और अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि भाई जो भी हमारा पेज है, तो यहाँ पे हमारा जब हम इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद वो कौन से मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहा है, तो वो कॉल कर रहा है हमारा ऐड मेथड को। तो ये ऐड मेथड तुम बनाओगे कहाँ पे, तो ये ऐड मेथड जो है हमारा व्यूज़ में होना चाहिए, है ना, ये हमारा व्यूज़ के अंदर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, व्यू में आता हूँ, मैं यहाँ पे व्यू में आता हूँ, और व्यू के अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ ऐड डेफ। अब मैं यहाँ बोल देता हूँ ऐड, बोल दिया। अब मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ रिक्वेस्ट, जो भी यहाँ पे पास करना हो गया। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो यहाँ जो तुम वैल्यू दे रहे हो ए डॉट एच टी एम एल में, ये दोनों वैल्यू मुझे चाहिए ना यहाँ पे व्यू में, तभी तो मैं काम कर पाऊँगा। तो यहाँ वाली वैल्यू को वहाँ पे मैं उठाऊँगा कैसे, ये वैल्यू तो एच टी एम एल में है, एच टी एम एल में इसका नाम है नम वन और नम टू। अब मुझे इस वैल्यू को व्यूज़ में उठाना है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मुझे यहाँ पे वैल्यू उठाना है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ वैल वन इज इक्वल टू, वैल वन इज इक्वल टू। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ रिक्वेस्ट डॉट, रिक्वेस्ट डॉट। अब मेरे पास यहाँ पे मैं यहाँ बोलता हूँ रिक्वेस्ट डॉट, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ पोस्ट, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। और जो वहाँ पे नाम था, आपका नाम क्या था यहाँ पे, यहाँ पे हमारा नाम था नम वन और नम टू। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं उठा लेता हूँ, किसको उठा लेता हूँ, मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ नम वन को, नम वन, स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखो, ले लिया। मतलब जो तुम वहाँ पे दोगे वो वैल वन में आ जाएगा, और यहाँ पे जो दोगे वो वैल टू में आ जाएगा, है ना। चूंकि मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, हमने पोस्ट यूज़ किया था, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पोस्ट। अभी हम यहाँ पे गेट यूज करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें गेट यूज करना होगा, अभी दिखाता हूँ। अब ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, और मैं सिंपली बोल देता हूँ आर ई एस रिजल्ट इज इक्वल टू क्या, मैं सिंपली अभी ले लेता हूँ वैल वन प्लस वैल टू, अभी मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ कि प्लस करना है माइनस करना है। और चलो भाई यहाँ पे आ गया, इसका मतलब जब तुम इस एच टी एम एल फाइल को कॉल करोगे और सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, तो ये ऐड मेथड को कॉल करेगा, ऐड मेथड में वो वैल्यूज आएंगी, और ये ऐड मेथड भी तो फिर किसी को कॉल करेगा, यानी कि ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट तुम कहीं ना कहीं तो डिस्प्ले करवाओगे। एक तो तरीका है मैं यहीं पर डिस्प्ले करवा दूँ जिंदाबाद, लेकिन भाई तरीका ये थोड़ी है, तरीका ये है कि भाई आप एच टी एम एल फाइल को कॉल करो। तो मैं यहाँ पर एच टी एम एल फाइल को कॉल करता हूँ, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ रिक्वेस्ट रेंडर, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और कौन से फाइल को कॉल करना है। तो मैं काम करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ रिजल्ट डॉट एच टी एम एल, जिसमें मैं अपना रिजल्ट को पास कर दूँ, रिजल्ट डॉट एच टी एम एल, है ना। और ये जो रिजल्ट डॉट एच टी एम एल है, इसके अंदर ये पास भी तो करना पड़ेगा, तभी तो वो वहाँ दिखेगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू, रिजल्ट इज इक्वल टू, और ये जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम हमारा क्या है, जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो क्या है, आर ई एस है, यही है ना। तो अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक रिजल्ट डॉट एच टी एम एल फाइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक फाइल बना लो रिजल्ट डॉट एच टी एम एल, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ राइट क्लिक न्यू एच टी एम एल फाइल, और कौन सा फाइल, तो मैं यहाँ बोलता हूँ रिजल्ट डॉट एच टी एम एल, एच टी एम एल लिखने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ले लेगा। तो ये रहा हमारे रिजल्ट डॉट एच टी एम एल। अब इस रिजल्ट डॉट एच टी एम एल में तुम क्या करना चाहते हो, तो भाई मैंने बहुत सारा काम किया था, ये सब भी डाला था, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं ना, कंट्रोल सी रिजल्ट डॉट एच टी एम एल, इसको हटाओ। वही मैंने यहाँ पे एक्सटेंड करवा लिया, यहाँ पे ब्लॉक, और मैं यहाँ पे थैंक्स एंड वेलकम वगैरह ये सब डाल देता हूँ, ठीक है ना, ये सब हटा दो, कलाकारी बहुत कलाकारी हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो वैल्यू मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वो वैल्यू वहाँ पे दिख जाए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ब्लॉक कंटेंट, और ये कंटेंट और एंड ब्लॉक है हमारा, इस ब्लॉक के बीच में अपना रिजल्ट दिखा दो भैया। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ रिजल्ट इज, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई जो हमारा रिजल्ट आया वो रिजल्ट हमारा कौन सा आया, तो जो तुमने वहाँ पे पास किया है, तो उस वैल्यू को लेने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से जिंजा फॉर्मेट, और हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, रिजल्ट। ये राजी यही दिया था ना आपने यहाँ पे, या आपने यहाँ पे व्यूज के अंदर रिजल्ट ही तो पास कर रहे थे तुम,
यही रिजल्ट तो तुम्हें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई जो भी हमारा रिजल्ट है यहाँ पे शो कर दो, और ये हमारा एंड ब्लॉक के अंदर काम हो ही रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्या अभी ये फॉर्म हमारा कॉल हो जाएगा, क्या ये फॉर्म हमारा अभी कॉल होगा भाई? अभी यदि मैं इसको रन करूं तो क्या ये फॉर्म हमारा अभी कॉल होगा? अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये चाहूँगा ना कि हमारा ये जो फॉर्म है ए डॉट एस टी एम एल, ये ए डॉट एस टी एम एल हमारा कॉल हो। तो ए डॉट एस टी एम एल को कॉल करवाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हम एक काम कर लेते हैं ए डॉट एस टी एम एल को कॉल करवाने के लिए। तो हम यहाँ पे करते हैं कि ये जो हमारा पेज है व्यूज़ के अंदर, तुमने कौन सा, सबसे पहला हमारा होम था, होम के अंदर बाई डिफ़ॉल्ट तुम किसको कॉल करवा रहे थे, होम डॉट एस टी एम एल को कॉल करवा रहे थे। अब होम डॉट एस टी एम एल के अलावा मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे कॉल करवा देता हूँ, किसको कॉल करवा देता हूँ, रिटर्न कौन सा पेज, ए डॉट एस टी एम एल को कॉल करवा देता हूँ, हो गया ना। और यहाँ पे मुझे कोई पैरामीटर सैरामीटर तो भेजना नहीं था, तो ये जो पूरी राम कहानी ख़त्म कर दो इसको, है ना। अब यदि मैं इसको रन करूँ, यदि मैं इसको रन करूँ तो सबसे पहले कौन सा कॉल होगा, ए डॉट एस टी एम एल फाइल कॉल होगा। ए डॉट एस टी एम एल फाइल से क्या आएगा, ये आएगा। अब जब मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो रिजल्ट हमारा कहाँ जाएगा, रिजल्ट डॉट एस टी एम एल पे जाएगा। तो ये जो तुमने ऐड मेथड बनाया है, इस ऐड मेथड को भी तो यू आर एल एस डॉट पाई में डालना पड़ेगा। तो ये राज, ये हमारा यू आर एल एस डॉट पाई, कौन सा यू आर एल एस, ये जो हमारे एप्स के अंदर यू आर एल एस है, ये देखो, और एप्स के अंदर जो हमारा यू आर एल एस है यहाँ पे डालो, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं पाथ, और यहाँ पे क्या, किसको कॉल करना है मुझे, ऐड वाले को कॉल करना है। ऐड के ऊपर यहाँ पे जब मैं ऐड लिखूँगा तो ये कॉल होगा, ये राजीव व्यू डॉट ऐड, और मैं यहाँ पे नेम इज इक्वल टू क्या डाल देता हूँ, नेम मैं डाल देता हूँ ऐड। अवधि मैं इसको रन करूँ, कंट्रोल सी करो, अवधि मैं इसको रन करूँ, अब देखिए हमारा ये आ रहा है, ये भाई साहब आ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, इसमें हमने वो लगाया नहीं था मास्टर पेज। अब मान लो मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 55, मैं यहाँ पे देता हूँ 77, और मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। अब ज़रा गौर से देखिए एक चीज़ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सी एस आर एफ वैलिडेशन फील्ड रिक्वेस्ट अबाउट इट। अब ये ज़रा तुम सी एस आर एस को देखोगे ना तो ये एक बेसिकली हैकिंग टेक्निक्स होती है। अरे मैं यहाँ पे गूगल करता हूँ कि ये सी एस आर एफ क्या है, ये देखो सी एस आर एफ का मतलब होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फर्जरी, ये नॉन एज वन क्लिक अटैक और सेशन राइडिंग और एब्रीविएटेड एज सी एस आर एफ, ये मतलब अपने आप में ये सीरियस अटैक होता है, वन क्लिक अटैक होता है ये। जैंगो के अंदर यहाँ पे इनबिल्ट सपोर्ट है इस चीज़ को रोकने के लिए। तो जैंगो क्या बोलता है कि भाई जब कभी भी तुम यहाँ पर सबमिट बटन डालोगे ना, जब ये अपने आप में एक तरह का अटैक है, तो जब कभी भी आप यहाँ पर सबमिट बटन डालते हो, मतलब पोस्ट डालोगे ना, जैसे ही तुमने यहाँ पर बोला पोस्ट, ये देखो जैसे ही तुमने यहाँ पर बोला पोस्ट, मैथड इज इक्वल टू पोस्ट, यदि तुमने मैथड पोस्ट डाला है, देखो पोस्ट का काम होता है सर्वर पर डेटा डालना, पोस्टिंग द डेटा, गेट का काम होता है सर्वर से डेटा लेना। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस एरर को दूर करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा परसेंटाइल, और हम यहाँ पे बोलते हैं सी एस आर एफ अंडरस्कोर, और जो भी हमारा नाम है उसका, तो हम यहाँ बोल देते हैं टोकन, सी एस आर एफ अंडरस्कोर टोकन, और इसको यहाँ पे बंद कर दो, परसेंटाइल यहाँ पे बंद कर दो। जब कभी तुम यहाँ पे पोस्ट लोगे तो ये लिखना जरूरी है, नहीं तो ये जो सी एस आर एफ वाला एरर आ रहा है ना, यही आएगा। अवधि मैं इसको रन करता हूँ, चलो ये था हमारा, मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, सबमिट बटन पे क्लिक करो। अब ये क्यों नहीं आ रहा है, चूंकि सर्वर हमारा रिफ्रेश नहीं हुआ है, तो एक काम कर लो। मैं इसको रन करता हूँ,
स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो यहाँ पे डाल देते हैं। सर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप। हाँ हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये हमने यहाँ पे डाल दिया, कंट्रोल सी रन करो। अब अभी मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, कहाँ डाल रहा हूँ मैं, एचटीएमएल के बाहर, ये फॉर्म के अंदर डालना है बस, मैंने बाहर डाल दिया था, ये यहाँ पे डालना है। अब रन करो, अब ये यहाँ पे बोल रहा है मल्टी वैल्यू डिक्शनरी की एरर ऐड num1। अब यहाँ पे कुछ समस्या ये है कि जो वैल्यूज आ रही है उसमें वहाँ पे कुछ समस्या है, तो अब ये मुझे चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब जब वो रिजल्ट पे वहाँ पे जा रहा है तो यहाँ कुछ दिक्कत आ रही है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये दिक्कत क्या है। अब ये देखो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ आया भी होगा, मल्टी वैल्यू डिक्शनरी की एरर। अभी हमें चेक कर लेते हैं ये मल्टी वैल्यू डिक्शनरी की एरर कहाँ आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पे दिक्कत है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करके num1 कुछ हमने डाला है ना, तो इसमें दिक्कत है, तो चेक कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है ना, नेम की जगह मैंने NME डाल दिया, तो ये बेचारा कहाँ से लेगा नेम, दिक्कत ठीक, यही दिक्कत थी। कंट्रोल सी फिर से रन कर दो। अब यदि मैं इसको रन करूँ, ये देखो ये डाल दिया, ये डाल दिया, सबमिट बटन, ये देखिए क्या रहा है, रिजल्ट इज 6677। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग है तो वो कॉनकैटिनेट हो रहा है, और कैटिनेट होने के बाद आ रहा है, मुझे उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जरा आप गौर से देखो यहाँ पे पूरी प्रोसेस फ्लो हमारा क्या था। देखो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि व्यू से HTML में वैल्यू कैसे पास करोगे, HTML से व्यू में वैल्यू कैसे पास करोगे, फिर व्यू से उठा के उसको किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कैसे करोगे। तो अभी मैं आपको बस ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करना बता रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू वहाँ कैसे जाएगी, वहाँ से वैल्यू यहाँ कैसे आएगी, ये चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले मैं इस स्टेप्स को लिख देता हूँ तो आपको सारा। अच्छा एक चीज़ और देखो, अभी मैंने यहाँ पर पोस्ट यूज़ किया था, तो यहाँ पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर में कुछ नहीं आ रहा है। पोस्ट जो होता है ना इस मामले में सिक्योर होता है, जो क्वेरी स्ट्रिंग होती है वो विजिबल नहीं होता। अब जरा गौर करना, यहाँ पे पोस्ट की जगह मैं गेट लगा देता हूँ, याद रखना मैंने यहाँ पे गेट लगा दिया है। गेट में ये लगाने की जरूरत नहीं है, रहने दो, मैंने यहाँ पे गेट लगा दिया है। और मैं यहाँ पे व्यूज के अंदर, मैं यहाँ पे पोस्ट की जगह क्या यूज कर लूंगा, गेट। व्यूज के अंदर मैं यहाँ पे क्या यूज कर लूंगा, गेट। अब यदि मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, अब अभी मैं इसको रन करूं, अभी मैं गेट यूज कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अब मैं यहां पे वैल्यू पास करता हूं, अब तुमने जो भी वैल्यू पास किया ना, ये ऊपर में यहां पे दिख रहा है, ये देखो। तो जो हमारा गेट होता है ना वो सिक्योर नहीं होता, और जो पोस्ट होता है वो सिक्योर होता है। ये जो हमारा गेट होता है ये हमारा सिक्योर नहीं होता, याद रखना। रिक्वेस्ट के लिए मेरे पास यहां पे दो मेथड है, एक होता है गेट और एक होता है यहां पे पोस्ट। गेट का काम होता है टू गेट द रिजल्ट, पोस्ट का काम होता है पोस्टिंग डेटा ऑन द सर्वर। तो दो चीज होता है ये, बेसिकली HTTP के मेथड्स होते हैं। ये जो हमारा गेट और पोस्ट है ये कुछ भी नहीं होता, ये गेट एंड पोस्ट जो हैं ये HTTP के मेथड हैं। गेट एंड पोस्ट ये हमारे HTTP मेथड हैं, ये हमारे HTTP के मेथड हैं। और भी कई सारे मेथड होते हैं, उसमें गेट और पोस्ट होता है। ये जो हमारा गेट का काम होता है, ये जो गेट होता है हमारा, गेट का काम होता है टू गेट द रिजल्ट, टू गेट रिजल्ट मतलब सर्वर से डेटा उठाने के लिए। और जो हमारा पोस्ट होता है टू पोस्ट बैक ऑन द सर्वर, इसका काम होता है पोस्टिंग डेटा ऑन सर्वर, सर्वर के ऊपर पोस्ट करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पोस्ट। तो मैंने आपको आपसे बोला था हमारा टास्क ये था कि हमारे पास HTML पेज हो जिसमें टेक्स्ट बॉक्स हो, और मतलब हमें नंबर्स ऐड करने हैं, नंबर्स मैं एंटर करूँ और वो जो भी नंबर्स हैं वो ऐड होके अपना वो रिजल्ट वगैरह डिस्प्ले करवा दे, ये हमारा टारगेट था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बनाया,
सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाया ए डॉट एच टी एम एल फाइल, ये रहा हमारे ए डॉट एच टी एम एल फाइल, और इसके अंदर हमने ये पूरी राम कहानी लिख दी। ये राम जी हमारा ए डॉट एच टी एम एल फाइल, और ए डॉट एच टी एम एल फाइल के अंदर हमने यहाँ पे ये कहानी लिख दी। और एच टी एम एल फाइल कहाँ पे बनेगा, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दी। ठीक, और बेहतर आप हमेशा यहाँ पे पोस्ट यूज करें, यहाँ पे कभी भी गेट ना लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे मेथड में लगा देता हूँ पोस्ट। ठीक, तो ये हमारा ए डॉट एच टी एम एल फाइल था, और ये जो ए डॉट एच टी एम एल फाइल था, ये ए डॉट एच टी एम एल फाइल हमारा कॉल, ये किसको कॉल कर रहा है, एड को। तो ये एड हमारा कहाँ पे है, ये यू आर एल एस डॉट पाई में होगा। तो ए डॉट एच टी एम एल में हमने ये काम करा। इसके अलावा हमारा जो व्यूज डॉट एच टी एम एल था, व्यू डॉट एच टी एम एल के अंदर हमने यहाँ पे ये काम करा। ये हमारे यहाँ पे व्यूज डॉट एच टी एम एल है, व्यूज डॉट एच टी एम एल में हमने यहाँ पे ये काम करा, व्यू डॉट एच टी एम एल के अंदर हमने यहाँ पे ये काम करा। भाई यहाँ पे जो पुराना मेथड था उसको मैंने चेंज करके ए डॉट एच टी एम एल को कॉल करवा दिया, जिससे कि हमारा ये पेज कॉल हो जाए। और यहाँ पे मैंने एक डिफ एड मेथड बना लिया। याद रखना, यदि वहाँ से तुम पोस्ट दे रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे पोस्ट, यदि वहाँ से गेट दे रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे गेट। तो वो जो एच टी एम एल में जो टेक्स्ट बॉक्स थी, इसके वैल्यू को यहाँ कैसे उठाओगे, ये देखो इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ किसको, रिजल्ट डॉट एच टी एम एल को। तो तीसरा जो हमारा पेज बनेगा कौन सा पेज बनेगा, रिजल्ट डॉट एच टी एम एल। तो ये हमारा रिजल्ट डॉट एच टी एम एल पेज है, ये रहा जी हमारा रिजल्ट डॉट एच टी एम एल पेज। अब रिजल्ट डॉट एच टी एम एल में कलाकारी, ये सब तो कलाकारी है, मेन मुद्दा तो तुमने ये कर दिया, रिजल्ट इज इक्वल टू, है ना, ये सब तो कलाकारी है, मेन लाइन ये है जो आपने यहाँ पे कोड लिखा। ठीक, और चौथा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे यू आर एल एस डॉट पाई के अंदर चेंज करना है, यू आर एल एस डॉट पाई के अंदर हमें यहाँ पे चेंज करना है। तो यू आर एल एस डॉट पाई कौन सा, एप्स वाला, तो हमारा ये राज यू आर एल एस डॉट पाई, इसके अंदर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, ये राज यू आर एल एस डॉट पाई, इसके अंदर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो ये लाइन तो पहले से लिखा हुआ था ही, आपने यहाँ पे ऐड पे, अब देखो जैसे ही तुम यहाँ पे लिखते हो ऐड, तो ये ऐड का मतलब क्या, ये यू आर एल एस डॉट पाई वाले ऐड को खोलेगा, और ये ऐड किसको कॉल कर रहा है, व्यूज़ के ऐड को, ये राज हमारा व्यू का ऐड, और ये व्यू के ऐड से फिर वो कहाँ जा रहा है, रिजल्ट वाले पेज पे, तो ये राज हमारा रिजल्ट डॉट एच टी एम एल। तो ये इसका फ्लो है। तो मैं अभी तुम्हें सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि व्यू से एच टी एम एल में वैल्यू कैसे पास करोगे, जिंजा फॉर्मेट। अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये हमारा एच टी एम एल पेज है, यहाँ से वैल्यू उठा के कहाँ डालना है, व्यू में, ऐसे लेंगे व्यू से ये जो वैल्यू है, कुछ कैलकुलेशन करने के बाद फिर मुझे एच टी एम एल में ले जाना है। तो ये सारे ना बड़े बेसिक से चीज़ हैं कि यहाँ से वैल्यू उठा के वहाँ ले जाना है, वहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ ले जाना है। तो ये सारे काम यदि हमें करना हो ना, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें। समझ में आ गई बात बॉस, ये बड़े बेसिक से चीज़ें हैं और बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी चीज़ में लोग फंसते हैं कि वैल्यू यहाँ से वहाँ ले जाना है, वहाँ से यहाँ लाना है, यहाँ से वहाँ लाना है, कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक कि हम यहाँ पे पैरामीटर कैसे पास करेंगे, एच टी एम एल से वैल्यू हम यहाँ पे जेंगो वाले पेज में कैसे ले जाएंगे, व्यू में, व्यू से वैल्यू वहाँ कैसे ले जाएंगे, एक पेज से दूसरे पेज को कॉल कैसे करेंगे, स्टार्टअप पेज कैसे चेंज करेंगे। तो ये थी हमारी पूरी कहानी। क्लियर जी सज्जन लोग, और कुछ बताएं, मतलब कोई दिक्कत हो तो बताएं। ये देखो जेंगो में ना, शुरू में मैं तुमको बताऊं थोड़ा सा, जेंगो में शुरू में थोड़ा सा लगता है यार ये तो बहुत इधर उधर जाना पड़ रहा है। हाँ याद रखना, जेंगो में यही है, स्टेप्स याद रखने हैं आपको। इसीलिए जो मैंने ये पूरा नोट्स बना रखा आपको, आपके सामने बनाया है, इसमें यू नीड टू मेंटेन द स्टेप्स, आपको यह ऐसे ही करना है। इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप कि भाई ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, और ये दो चार पांच चीज यदि आपको याद रहेगा तो आप सारे काम कर लेंगे। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट है मुद्दा, वो मुद्दा ये है कि भाई हम लोग यहाँ पे ना, हम लोग यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो जेंगो की जो बेसिक थी उन बेसिक को लेके काम कर रहे थे। बेसिक का मतलब ये वैल्यू कैसे पास करना है, वैल्यू कैसे उठाना है, मास्टर पेज कैसे बनाना है, मास्टर पेज को यूज कैसे करना है,
ये चीज़ें हम कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा, इसको आप 2 बार 3 बार देखो। आज का जो सेशन हुआ है इसकी वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं और ये नोट्स भी आपके सामने बना है, सब कुछ लिखा गया है आपके सामने और यहाँ पर बड़े तरीके से सेव कर दिया गया है। ये देखो कि भाई ये काम करना है, ये राजी कैसे करोगे, पहला अरे तुम इस कोड को उठा के कॉपी पेस्ट भी करते चले जाओगे तब भी ये काम रन करेगा। अब मुझे गेट पोस्ट लगाना है, कैसे करना है भाई, नंबर एंटर करके ऐड कर, अच्छा ये करना है, ये रहा जी। तो यहाँ पर यदि आप कॉपी पेस्ट भी करते जाएंगे तब भी ये रन कर जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला काम ये है कि तुम लोग इस पोर्सन को कम्प्लीट कर लोगे और कम्प्लीट करने के बाद अब हम लोग आएंगे इसमें प्रोजेक्ट के ऊपर, और जब हम लोग प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो उसमें फिर हम MVC के ऊपर काम करेंगे, उसमें फिर हम डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे, उसमें फिर हम डेटाबेस से डेटा को डायनामिक करवाएंगे। तो ये सारा काम हमें करना है प्रोजेक्ट को लेके। लेकिन इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से पहले आप लोग इसको 2 बार 3 बार 4 बार करके कंफर्टेबल हो जाओ, अलग प्रोजेक्ट बनाओ, अलग प्रोजेक्ट बनाओ, कम से कम 3-4 बार कर लो। 3-4 बार कर लोगे तो जैंगो में आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जैंगो में जो लोगों को दिक्कत आती है प्रोजेक्ट में दिक्कत नहीं आती है। जो हमारे बच्चे हैं कई सारे हैं बहुत जगह काम वाम करते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ से फ़ोन, सर सर जी ये बताओ कि HTML वैल्यू से वैल्यू वहाँ ले जाना है, व्यू से वैल्यू वहाँ, अरे भैया। तो यही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू कैसे ले जाना है, कैसे काम करना है। तो अभी हम लोग उसी प्रोजेक्ट के कंटिन्यूटी में काम कर रहे हैं, अब हम लोग इसी प्रोजेक्ट के कंटिन्यूटी में काम करेंगे। अभी तुमने कैल्क एप्स के ऊपर काम किया है, अब हम एक नया एप्स बनाएंगे और उस नए एप्स में प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे और उस प्रोजेक्ट को लेके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर वहाँ पर काम करेंगे। वहाँ पर फिर तमाम बातें आएंगी निकल के, जो हमारा MVC है, जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है, ये सारी पोर्शन, सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि उस पर आने से पहले, उस पर आने से पहले देखो कायदे से तो आज हमें कर लेना चाहिए और 2 घंटा लगेगा हम उसको कर भी लेंगे, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि करना नहीं है, मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि भाई थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो बेहतर यह है कि आप इसको कंप्लीट करें और इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आया जी? कोई मुद्दा हो तो बताएं सर। सर जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, हाँ वो मतलब टॉपिक क्या रहेगा उसका जो कल हम ऐसा है ना, देखिए हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उस प्रोजेक्ट में 2-3 चीजें हैं मेरे पास। एक ये है जॉब पोर्टल है, मेरे पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम बनवाते हैं अक्सर, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं बता दूंगा कल, मैं कोशिश करूँगा ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊँ जिसमें सारा चीज़ कवर हो जाए, मतलब इमेज भी आ जाए, जिसके अंदर मतलब वहाँ पे तुम्हारा वहाँ पे डेटाबेस का पूरा यूटिलिटी आ जाए जो कि डिप्लॉयमेंट तक पहुँच जाए। तो मैं सारी चीज़ों को देखूंगा, तो नॉर्मली इस टाइप का कुछ प्रोजेक्ट्स होगा हमारा। ओके सर, ठीक है ना, वो टेंशन आप ना लें, जो भी प्रोजेक्ट होगा बेहतर प्रोजेक्ट होगा। और उसके बाद मैं आप लोग को 1-2 प्रोजेक्ट और बता, एक प्रोजेक्ट को मैं पूरा सब कुछ दे दूंगा, आप देख लेना उस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, और उसके बाद मैं एक प्रोजेक्ट असाइन कर दूंगा, उसको बना के दिखा दीजिएगा मुझे। ये तो है नहीं कि भाई सेशन हो गया तो हो गया, भाई जब कभी भी कोई दिक्कत है तो अवेलेबल है, क्या दिक्कत है। सर मैं बोल रहा था कि जैसे हम अपने रिज्यूमे में जो प्रोजेक्ट डालेंगे अगर अपन दोनों जेंगो से डालेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम है, स्पेस होगी हम, क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। सर मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि फिलहाल तो मतलब मेरे पास प्रोजेक्ट जावा का है, मगर जावा पढ़ना बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा और अभी हमारा कैंपस भी आ रहा है। एक काम करो गुरुजी लोग, सुनो मेरी बात आराम से, जो है ना ये मुझे बताओ, देखो जेंगो में मैं तुम लोग को अभी 2-3 प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। एक प्रोजेक्ट तो मैं सेशन में ही कंप्लीट करवा दूंगा, दूसरा प्रोजेक्ट मैं आपको लेके दे दूंगा और समझा दूंगा, ठीक है। तो 2 प्रोजेक्ट तो मैं आपको जेंगो में ही बनवा रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपको सार मतलब इंटरव्यू लेवल पे जितने भी क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं वो आप बता दोगे उनको, बात समझ में आ रही बात, ठीक है। लेकिन याद रखना जेंगो के प्रोजेक्ट को दिखाने में मतलब अच्छी बात है भाई आप दिखाओ, लेकिन साथ में तुमको पाइथन को स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पाइथन इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सामने वाला पूछता है ना, देखो जेंगो में क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, जेंगो में गिन के 10-20 क्वेश्चन बनता है, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं बनता है। जेंगो में तो काम करना है ना, क्वेश्चंस जो बनते हैं इंटरव्यू के वो सारे पाइथन में बनते हैं, ठीक है। तो जेंगो की तरफ से आप निश्चिंत हो जाओ, मैं आपको 2-3 प्रोजेक्ट दे दूंगा, मैं आपको इसमें रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करना भी बता दूंगा, ठीक है, तो उसमें आपका काम हो जाएगा, मतलब जेंगो में अब तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, पहले हम लोग एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो मुझे ये बताओ कि इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ये बताओ मुझे। इसको कल मतलब आज कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग सब मिलकर, एक काम करें, आज हो जाए। इसको जो है ना, इसको आप लोग आज प्रैक्टिस करें और कल जो है शुरू से 2-3 बार करने की कोशिश करें, ठीक है। कल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, एक फैमिली फंक्शन है, ठीक है ना। तो हम लोग आपका सेशन, मैं बैठूंगा आप लोगों के साथ परसों, परसों इसी टाइम में 12 बजे 1 बजे के आसपास, ठीक है सर, ठीक है। तो परसों हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट वाला पोर्शन है। हो सकता है कि डिप्लॉयमेंट थोड़ा सा बच जाए, तो आधा एक घंटा मुझे और चाहिए होगा, अदरवाइज परसों हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन परसों आने से पहले ये जो चीज़ें हैं ना बॉस, इसको 2 बार 4 बार करके देख जाओ, इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो मैं अभी ये काम करता हूँ, ये जो वीडियो है उस वीडियो को भी मैं अपलोड, हालांकि वीडियो का साइज बहुत बड़ा हो गया होगा, तो मैं काम करूंगा उसको अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, उसका लिंक आप लोग को शेयर कर दूंगा, है ना जी। कुछ बोलना चाह रहे थे बोलो। हाँ सर, हेलो। हाँ हाँ सर, इसमें हम ये चाह रहे हैं कि सर जैसे इसका थोड़ा बैकएंड पे जो भी हम यूज करेंगे, चलो फ्रंट एंड की डिजाइनिंग पार्ट पोर्शन ये सारी चीजें तो हो गई है हाँ और सर, तो हाँ बैकग्राउंड में सर जैसे कि मतलब जो इसमें होते हैं सेशंस वगैरह होते हैं, कुकीज वगैरह कॉन्सेप्ट इसमें भी श्योर है कि होगा ही रुक होगा। जाइए, अभी सब थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, सब आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे। हाँ सर, और प्रोजेक्ट के लिए हम चाह रहे हैं सर कि थोड़ा बैकग्राउंड का भी थोड़ा कुछ, हाँ एक्स्ट्रा फंडामेंटल हो, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक वगैरह ऐसे रिलेटेड चीजें हो जाएगी तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसको एक्सप्लोर करने में भी हमें अच्छा लगेगा कि ऐसा है हाँ हमने ना, कुछ सुनिए मेरी किया। बात, मैं यस पहले मैं प्रोजेक्ट बता देता हूँ, उसके बाद मैं बात सर, करूँगा आगे, है ना। अभी ठीक है आपको सर। नहीं पता ना कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, है ना। मैं आपको अच्छा ये अच्छा पता है कि प्रोजेक्ट है, उसमें क्या चीज़ें हैं, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप यस जैंगो सर, को मेरे ठीक ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है, आप निश्चिंत हो जाइए, ठीक ठीक है। ठीक अभी आपको बस ये करना है कि ये जो चीज़ें हैं इसको कंप्लीट कर जाइए, और कुछ करना नहीं है, यस ठीक सर, है। तो मैं ठीक आप लोग से परसों मिलूंगा इसी 12 बजे के आसपास, 12 बजे या यस 1 बजे। इनफैक्ट 12 बजे से मेरा एक सर, बैच रहता है, और मैं लेट उठता हूँ, मैं उठता ही हूँ यस 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, क्योंकि मैं रात में काम सर, करता हूँ, ठीक है। तो उस चक्कर में मैं थोड़ा सा टाइम आप लोग का, तो मतलब या तो 12 बजे रखूंगा आपका सेशन, नहीं तो 1 बजे मैं मैसेज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वही 12-1 का ठीक टाइम रहेगा। तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा लिंक, और अभी जो नोट्स हैं, पहली बात तो ये नोट्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ सभी लोगों को, और दूसरी चीज़ ये है जो जो वीडियो है वो वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि वीडियो का साइज काफ़ी बड़ा हो गया होगा, ठीक है। सर, हाँ मैं सर इससे पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे इसमें पाई चार में एक एरर आ रही है सर, मतलब कि वो डेंगो का जो डेंजो का जो जो है डायरेक्टली सर, मतलब वो रिकॉग्नाइज नहीं करवा रहा कर पा रहा है, तो वो अननेम्ड बता रहा है उसको, जबकि सर उसी उस पे सारा मतलब हमारा वही काम कर रहा है, तो सर इसलिए शेयर तो नहीं हो पाएगा इसको। तो जैंगो में दिक्कत आ रही है रन करने, मतलब जो कोड चला रहे हो उसमें दिक्कत आ रही है। ये सर वो मतलब एक्चुअली सर हम राइट कर रहे हैं तो जैसे इंपोर्ट ही कर रहे हैं ना जेंगो, तो जेंगो पे ही प्रॉब्लम आ रही है, वो इंपोर्ट मतलब वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, और जबकि उसके टर्मिनल पे हम जा रहे हैं तो सब कुछ उसका वर्जन वगैरह सब कुछ शो कर रहा है। अभी दिखा सकते हो मुझे? ये जस्ट वेट सर, अगर इसमें ऑप्शन है कैसे सुनो मेरी बात, ध्यान से आएगा। सुनो, जब भी हम लोग जैंगो और पाइथन वगैरह इंस्टॉल करते हैं ना, 2-3 बातें ध्यान रखनी है हमें। ध्यान रखनी है कि तुम चला चेक करना है तुम्हारा पाइथन कौन सा, 32 बिट है 64 बिट है, ओके तो मतलब ये बिट उट का ध्यान रखेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है। सर, ये 64 था तो 64 अच्छा अच्छा देखते दिखाना हैं मुझे, एरर अभी दिखाना। और आगे। हाँ सर, इसमें सॉरी सर, मैं व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, इसलिए इसका फोन मुझे पे। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगा, ठीक है। यस सर, और बाकी देखिएगा कुछ सॉल्यूशन, और तरीका यही है जी, हाँ और ज़्यादा समस्या हो ना, ज़्यादा समस्या हो, सुनो मेरी बात, पाइथन में कई बार होता है कि हम लोग कई सारे वर्जन को इंस्टॉल कर देते हैं अपने सिस्टम में। पाइथन में 2.7 भी है, 3.7 भी है, 4 भी है, कई बार दिक्कत आ जाती है। तो ध्यान रखना, यदि ज़्यादा समस्या हो तो एक बार अपने सिस्टम में जितना पाइथन है उसको हटा दो, जितना जैंगो है उसको सबको हटा दो, और उसको हटाने के बाद फ्रेश इंस्टॉल करो, काम करेगा, ठीक ठीक है ना। है सर, ओके तो मैं अभी भेज रहा हूँ ये, और हम लोग मिलते हैं परसों, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, बाय सर, थैंक यू सर।